हम जो दूर से लोग आए हैं और इतने बड़े बड़े जिनके बारे में रामचंद्र गुहा वैसे ही नहीं कहते, मैंने सर को शेखर पाठक सर को पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन रामचंद्र गुहा कई बार अपने आर्टिकल्स में कई बार जिक्र करते हैं कि वो इंसाइक्लोपीडिया है अपने समय का, तो कोई वैसे ही नहीं कहते, कोई शेखर पाठक होने के अपने मायने हैं। आज पहली बार एक अनुभव से, तरल अनुभव से होके गुजरा हूँ मैं, तो अभिभूत हुआ पूरे तरीके से। आगे भी एक यतीन्द्र मिश्र की पुस्तक आई गिरजा देवी पे, लता मंगेशकर पे आई पुस्तक उनकी, तो जो अलग अलग क्षेत्रों में जो संवाद हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों से जो संगीत, संगीत से जो भाषा आ रही है, तो अलग उसका उसका अपना अलग मिजाज है, अपना अपने अपना अलग स्वर है, और उसने हिंदी को हर तरीके से संपन्न ही किया है, उसकी उसकी दिशाओं की बहुलता ही प्रदान की। कई सारे विषय, कई सारी स्थितियाँ निकल के आ रही हैं। विमर्श, विमर्श का होता है यही है कि संवाद बनता है, चीज़ें बनती हैं आपके सामने, और यह भी देखा गया है कि जो कथेतर साहित्य है ऐसा रूखा भी हो ऐसा भी नहीं है, सर सामने बैठे हैं, स्मृति आख्यान सर के बहुत लाजवाब रहे हैं, दखल प्रकाशन से जो आया, तो पूरा जो एक स्थिति है, और एक अशोक वाजपेयी ने कुछ स्मृति आख्यान लिखे थे, या विश्वनाथ त्रिपाठी जी का नंगा तलाई का गांव, तो एक स्मृति आख्यानों का, कथा डायरियों का, रिपोर्टाजों का अपना एक स्थान रहा है, अपना एक स्पेस रहा है समाज में, और लोगों ने उन्हें तहे दिल से लिया भी है। अभी खुशवंत सिंह के और वी एस नायपाल की इमरजेंसी को लेकर दो रिपोर्ट छपी थी पेंगुइन ने, उन्हें हिंदी में छापा है, तो दो लोग किस किस तरीके से, किस तरीके से सोच रहे हैं एक जैसी स्थिति को लेकर, तो उन सारी स्थितियों से हम जब किसी पुस्तक को लेते हैं, उन सारी स्थितियों से होके हम गुजरते हैं, और आगे मौसम भी आप देख ही रहे हैं, और दिसंबर का अंतिम समय चल रहा है, तो तेज़ी से मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा विमर्श को, तो